सारा तेंदुलकर और सुमन गिल भारतीय मीडिया के पसंदीदा अव्वा जोड़ों में से एक हैं। लेकिन कुछ मौकों को छोड़कर दोनों को एक साथ ज्यादा स्पॉट नहीं किया गया है। आज सारा तेंदुलकर को शहर में देखा गया। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम अब अपने अगले मैच के लिए मुंबई में है। एक पेपराजी वीडियो में दावा किया गया है कि सारा तेंदुलकर चुपचाप सुमन गिल से मिली, लेकिन वीडियो में स्टार बल्लेबाज कहीं भी नजर नहीं आ रहे। खैर, उन्हें फिल्म मेकर वधु विनोद चोपड़ा के अपार्टमेंट के बाहर देखा गया। हो सकता है कि वह किसी दिवाली उत्सव के लिए गई हों या शायद किसी फिल्म पर चर्चा करने गई हों। ऐसी कुछ अफवाह है कि सारा तेंदुलकर फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहती हैं। शुभमन गिल ने कभी इस बात की पुष्टि नहीं की कि वह सचिन तेंदुलकर की बेटी को डेट कर रहे हैं। कॉफी विद करण 8 के आखिरी एपिसोड में करण जौहर ने सारा अली खान से स्टार खिलाड़ी के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि मीडिया सारा को गलत मान रहा है। साथ ही एक इंटरव्यू में यूएई के खिलाड़ी चिराग सूरी ने इस बात की पुष्टि की है कि शुभमन गिल सिंगल नहीं है और वह सारा तेंदुलकर के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों की कोई गुप्त मुलाकात हुई हो। सारा तेंदुलकर सचिन और अंजलि तेंदुलकर की बड़ी संतान है। उन्होंने यूके से मेडिकल की पढ़ाई की है। वह अपने खूबसूरत लुक के लिए सोशल मीडिया पर वायरल रहती हैं। कई लोग अटकलें लगा रहे हैं कि क्या बॉलीवुड अभिनेत्री के रूप में डेब्यू करेंगी। कई शानदार पारियां खेलने वाले शुभमन गिल साल के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज हैं।